जानिए कितनी है रामलला के आभूषणों की कीमत। 15 किलो सोना, 18,000 हीरे और पन्ना से मिलाकर हुई है तैयार। पैर के नाखून से लेकर मस्तक तक सब कुछ है खास। 22 जनवरी को देश के करोड़ों भक्तों का 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। लोग भगवान राम के दर्शन करने के बाद भाव विभोर हो उठे। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू है, वैसे हो भी क्यों ना, रामलला का श्रृंगार ही इतना अलौकिक है कि उन्हें देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। प्रभु श्री राम को कई अनमोल आभूषण पहनाए गए हैं। इनके गहने भी बड़े ही नायाब है जिनकी कीमत करोड़ों में। इसके अलावा राम के वस्त्र भी बहुत खास हैं। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि श्री राम के वस्त्र और आभूषण से लेकर उन्हें पहनाई गई हर एक साज सज्जा की चीज खास रिसर्च करके तैयार की गई है। हम आपको आज बता रहे हैं कि आखिर इन खूबसूरत गहनों को बनाया किसने और इनकी खासियत क्या है। रामलला को मुकुट समेत 14 जेवर पहनाए गए जिसे सिर्फ 10-12 दिन में तैयार किया गया। इन भव्य आभूषणों को अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदर स्त्रोत जैसे ग्रंथों में बताई गई श्री राम की छवि के अनुरूप से तैयार किया गया है। रामलला के आभूषण को के सराफ हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स की लखनऊ ब्रांच ने बनाया। ये करीबन 100 साल पुराना ब्रांड है जिसे HSG ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। सिर के मुकुट से लेकर गले के हार, माथे के तिलक, अंगूठी, कमरबंद, हाथों के कंगन और कानों के कुंडल, हर एक आभूषण को जिस खूबसूरती से तराशा गया है उसकी चर्चा हर तरफ है। सबसे पहले बात करते हैं रामलला के मुकुट की जिसे नवरत्न से सजाया गया है। ये 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है और इसमें 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और मानिक के लगा है। मुकुट पर बने सूर्य में जो दो हीरे लगे हैं वो सैकड़ों साल पुराने हैं। फिर आती है श्री राम लला के माथे पर लगे तिलक की बारी। उनके माथे पर बनाए गए तिलक को भी मानिक्य और हीरे से बनाया गया है। राम लला के तिलक 16 ग्राम सोने का है और इसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। हर राम नवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पर नीचे से आएंगी और अगले 5 मिनट में ऊपर की तरफ होती हुई मुकुट की तरफ जाएंगी। राम लला के गले का हार भी बहुत खास है। उन्हें 108 सिक्कों वाला हार पहनाया गया जिसमें कई सारे रत्न भी जड़े हुए। इसका वजन 500 ग्राम है। इसमें 50 कैरेट के हीरे के साथ साथ 150 कैरेट के मानिक और 380 कैरेट का पन्ना जड़ा हुआ है। साथ ही हार के बीच में सूर्यवंशी लोगो है जो मानिक और पन्ना से बने फूलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा भगवान का दूसरा हार पंचलड़ा है। पंचलड़ा का वजन 660 ग्राम है जिसमें लगभग 80 हीरे, 550 कैरेट पन्ना लगाए गए हैं। इसमें कुल 5 लड़ियां हैं। ये लड़ियां पंच तत्वों को दिखाती हैं। ये हार गले से नाभि तक का है। रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है जिसमें 70 कैरेट हीरे और 850 कैरेट मानिक और पन्ना लगाए गए हैं। कमरबंद में छोटी छोटी 5 घंटियां लगाई गई हैं। इन घंटियों में मोती, मानिक और पन्नी की लड़ियां भी लटकी हुई हैं। इसके अलावा रामलला के बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम की बाजूबंद बनाए गए। अब बारी आती है उनके कंगन की। रामलला के कंगन 850 ग्राम सोना से बने हुए हैं। इसमें 100 कैरेट के हीरे और 320 कैरेट के मानिक और पन्ने जड़े हुए हैं। रामलला के सोने के धनुषबाण बनाए गए और धनुषबाण में 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भगवान राम के नन्हे पैरों के लिए खास खड़ाऊ भी बनाए गए हैं। इसमें 400 ग्राम सोना, 55 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ना आदि जड़ा हुआ है। साथ ही रामलला के पैरों में जो पायल है वो भी 22 कैरेट सोने से बनी है जिसका वजन 560 ग्राम है। चूंकि राम मंदिर में भगवान राम को 5.5 साल के बालक के रूप में विराजमान किया गया है तो उनके लिए वहाँ खिलौने भी रखे गए हैं जो चांदी से बने हुए हैं। इनमें चांदी का घोड़ा, हाथी, ऊंट, झुंझुना, लट्टू आदि शामिल है। अब बात करते हैं रामलला के वस्त्रों की तो इन्हें डिजाइन किया है दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने। वो पिछले 3 साल से अपनी टीम के साथ रामलला के वस्त्र तैयार करने पर काम कर रहे हैं। भगवान राम को पीताम्बर वस्त्रों से सजाया गया है और पीताम्बर वस्त्र इसलिए क्योंकि श्री रामचरितमानस में जिक्र है कि भगवान राम पीताम्बर पहनते थे। रामलला के वस्त्रों का कपड़ा वाराणसी से तैयार कराया गया जिसे सोने और चांदी को मिलाकर बनाया गया। इतना ही नहीं, इसकी सिलाई में भी सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल किया गया। प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को बनाया है कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने। अरुण मैसूर के रहने वाले हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर मूर्तिकारों में से एक है। उनके वंश की पिछली 5 पीढ़ियां मूर्ति बनाने के काम में लगी हुई है। रामलला की 51 इंच की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई। दरअसल रामलला के श्याम रंग का वर्णन वाल्मीकि के रामायण में वर्णन इनका किया गया है, इसलिए रामलला की मूर्ति को श्याम रंग का बनाया गया। ये कोई आम काला पत्थर नहीं बल्कि कृष्ण शिला पत्थर है जो दूध या अन्य किसी चीज के संपर्क में आने पर भी खराब नहीं होगा। कृष्ण शिला पत्थर की खासियत यह है कि 1000 साल से भी अधिक समय तक ज्यों का त्यों रह सकता है। योगीराज ने मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ अपने हाथों, हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल किया और एक साधारण पत्थर पर रामलला के 5 वर्षीय रूप को बड़े ही बखूबी के साथ उकेरा गया है। मूर्ति को इस एंगल में रखा गया है कि रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ सके जिससे उनका माथा चमक उठेगा और उनके माथे पर सूरज का तेज नजर आएगा। रामलला की मूर्ति से लेकर उनके आभूषण तक हर चीज के बारे में इतनी रोचक जानकारी पाने के बाद तो शायद अब आप भी उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो गए होंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।